हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक बार हम फिर पहुंच चुके हैं दुबई थीम कार्निवल आगरा में, और जैसा कि आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है भाई। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है ना, वैसे वैसे भीड़ भी यहाँ की बढ़ रही है, और यहाँ से आप झूले भी देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलो सबसे पहले टिकट ले लेते हैं यहाँ से, टिकट लेने के बाद अंदर जाएंगे। तो टिकट तो आपको पता ही होगा 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है, उसके बाद हमारी अंदर एंट्री होगी। अब ऊपर देखो कितना प्यारा ये स्टैचू लगा हुआ है, और लाइटनिंग तो इतनी अच्छी हो रही है कि मन मुग्ध हो जाता है बस। और आज जिस टाइम पे हम गए हैं इतनी भीड़ मिली है हमको, आप कैमरे में देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हैं और एंजॉयमेंट करने आए हैं अपने टीम के नाम से आ रहे हैं। कहाँ से भैया एंट्री, इतनी सारी भीड़ है, घुसने की जगह वगैरह है कि नहीं है। फाइनली अंदर एंट्री हो गई है, लेकिन यार भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, देख संभाल के वीडियो बनानी पड़ेगी। तो रात का व्यू बड़ा मस्त आ रहा है, देखो क्रिसमस का थीम लगा दिया है। तो अब हो रही है हमारी मेन एंट्री, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रेड कारपेट पे सेलिब्रिटी वाली एंट्री लग रही है, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। सेल्फी स्टिक वाला गेम चल रहा है, देखो एफिल टावर। दुबई का रात का व्यू कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, देखो कितनी डिफरेंट डिफरेंट लाइट जल रही है, और सब लोग यहाँ पे सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, सबको सेल्फी चाहिए दुबई बुर्ज खलीफा के साथ। और कितना प्यारा थीम लग रहा है इसका, देखने में बिल्कुल अलग ही लेवल का मजा आ रहा है इसको देखने में। और अब हम दिखा रहे हैं आपको दुबई थीम कार्निवल का बिल्कुल 360 व्यू, इसमें आप सब कवर हो जाएगा, लंदन ब्रिज से लेकर के एफिल टावर से लेकर बुर्ज खलीफा। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस कार्निवल के शॉपिंग एरिया में, यहाँ पे कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे या सब कुछ आइटम्स मिलेगा जो लेना चाहिए। भाई जो लास्ट टाइम में आया था ना इस मेले में, उससे नेक्स्ट यानी कि 100 गुना ज्यादा इस पे भीड़ है आज के दिन, और आज तो निकलना भी मुश्किल हो रहा है, देख देख के निकलना पड़ेगा मुझे सब जगह पे। तो आप भीड़ देख ही सकते हो यहाँ पे, हर इंस्टॉल फ्री पड़ी है टोटल फुली। तो अभी हम दिखाते हैं आपको ड्रोन व्यू, इस मेले का ड्रोन व्यू कैसा लगता है देखने में। हर शॉप पे कितनी भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा, तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है भाई, जहाँ तक नजर जाएगी। और उस दिन मैं आया था उस दिन तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी यहाँ पे, एक भी शॉप ऐसी नहीं है जो इस समय खाली हो, सारी शॉप फुली फिल्ड हो रही है। ये देखो यहाँ भी धुआंधार मार्केटिंग चल रही है घड़ियों की दुकान पर। तो यहाँ पे आगे आपका कपड़ों का मार्केट, यहाँ पे ज्यादातर विंटर्स वाले कपड़े ही अवेलेबल है हमारे। चलो यहाँ लास्ट टाइम आया था तो बिल्कुल खाली पड़ा था ये एरिया, और आज इतनी जगह नहीं है
कि यहाँ पे ढंग से खड़े हो पाओ और अपना वीडियो शूट कर पाओ, ब्लॉग बना पाओ। तो देखो आपको दिखाता हूँ, प्लस आज बहुत सारी चीजें इसमें बढ़ भी चुकी हैं, उस हिसाब से दिखाते हैं कि लास्ट टाइम से कितनी चीजें यहाँ पे भरा उड़ चुकी है। यहाँ पे चारों का एरिया है, यहाँ पे बैलून शॉट चल रहा है और यहाँ पे डेकोरेशन का सामान अवेलेबल है। मेरे ख्याल से आज झूले भी सारे बुक होंगे, कोई भी झूला भी इवन खाली नहीं हुआ आपका यहाँ पे, झूले में भी जगह नहीं मिलने वाली है। तो महल कुछ है भी इसमें, बहुत महल के लिए भी भीड़ लगी है, लोग बाग अंदर जाना चाह रहे हैं। बॉम्बे अमेरिकन भुट्टा मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चल रही है ट्रेन और ये पूरा हमारा खाने का एरिया आ गया। पीछे तो जो दिखाया था आपको वो था कपड़ों का एरिया, शॉपिंग का, अब यहाँ पे फूडिंग एरिया चालू हो गया। तंदूरी चाय और ये कॉटन कैंडी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है चाइनीज अड्डा, झूला चल रहा हमारा तोरा तोरा ब्रेक डांस वाला, अभी ये चल नहीं रहा है वैसे। और यहाँ चल रहा हमारा टर्किश स्टाइल आइसक्रीम सर्विंग प्रोसेस, जिसमें एक बच्ची के साथ गेम खेला जा रहा है और उसे आइसक्रीम खिलाई जाएगी। इस मेले के सबसे बड़े और सबसे मज़ेदार झूले ये आप देख सकते हैं इसमें, ये एक गोल घूमने वाला है और दूसरा बोट वाला है, लाइट में तो और ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हो इस समय कितनी ज़्यादा भीड़ है और मैं झूलों के एरिया में खड़ा हुआ हूँ, पीछे भी झूले हैं आगे भी झूले हैं और सारी खाने के स्टॉल भी हैं यहाँ। और ये सबसे खतरनाक झूला है इस मेले का, इसमें तो 18 साल से नीचे के लोग ना बैठे तो ही ठीक है, ये पूरा 360 घूमता, ये देखो पूरा 360 घूम गया भाई, आधे तो ऐसा लग रहा है आसमान में ही लटक गए हैं इसमें। और अब आ जाते हैं हम 360 व्यू पर, जिसमें बुर्ज खलीफा दिख रहा है, सामने झूला दिख रहा है छोटा वाला और खाने के इंस्टॉल दिख रही हैं, और मेले के सबसे बड़े झूले ये दोनों भी दिख रहे हैं इसमें, और यहाँ खाने के इंस्टॉल दिख रही हैं। यहाँ पे भी अलग ही भीड़ लग रही है, ये स्प्रिंग वाला है, ये स्प्रिंग खींच के ऊपर जाएगी ये बच्ची, अभी देखो दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया पूरा हमने दुबई थीम पार्क आपको घुमा दिया है, एक दिन में भी आए थे और आज रात में घुमा दिया है। जैसा कि यहाँ पे सीन था हर जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आपने देख ही ली वीडियो में वो अभी हम झूले की सेट करें हैं और यहीं पे फूड इंस्टॉल बनी हुई है और यहीं से एक्सिट हो जाएगी हमारी, तो यहीं से आप निकलते हैं थोड़ी बहुत। मॉकटेल बार, यहाँ पे देखो खाने की व्यवस्था है, आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, बर्गर वगैरह जो भी हल्का हल्का खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ से आप खा सकते हैं, बाकी ये छोटी मोटी स्टॉल है यहाँ पे वो खा सकते हैं, और जब खाना खा लेंगे तो सामने ही आपको दिया हुआ एग्जिट, वहाँ से आप कर सकते हैं एग्जिट। और अब हमारा भी टाइम आ गया एग्जिट करने का, क्योंकि पूरा हमने मेला घूम लिया है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी,
तो मजा भी आया बहुत ज्यादा और थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ा हमको। तो फाइनली आप निकल रहे हैं यहाँ से हम बाहर दोस्तों, फाइनली यहाँ से हो गया हमारी एग्जिट, पूरा आपको मिला दिखा दिया, दिन का व्यू भी दिखा दिया पुरानी वीडियो में और इस वीडियो में आपको दिखा दिया नाइट का व्यू कैसा लगता है यहाँ पे। देखो कितनी भीड़ आ रही है, अभी भी भीड़ आ ही रही है, मतलब इस मेले का कितना ज्यादा क्रेज हो रहा है। तभी अभी तो 9 तारीख तक ये मेला है, जब आपका मूड बने आप यहाँ पे आ सकते हैं और पूरे एक्सप्लोर और अपनी यादें ताजा कर सकते हैं। तो जल्दी आओ, न्यू ईयर पे तो और ज्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पे। तो गाइस पूरी की पूरी पार्किंग भाई भरी पड़ी है, मतलब निकल कोई नहीं रहा, सब एंट्री ही एंट्री ले रहे हैं इसमें। इधर भी भरी है उधर भी भरी है, और उस साइड में जाएंगे राइट हैंड साइड में तो वहां भी पूरी भरी हुई है। इसका मतलब समझ सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे इस समय आए होंगे। तो 6 से लेकर के 8 या 9 बजे तक ही यहाँ पे पीक पे भीड़ रहती है, उसी टाइम पे आप आ सकते हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। देखो पूरी लाइन भरी पड़ी है यहाँ से वहां तक।